प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव से पहले आज मोदी की ये तीसरी सभा है। इससे पहले रविवार को उन्होंने जालौर के भीमनाल में बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया था। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक राजस्थान ने सीमाओं पर देश की रक्षा की है। सुरक्षित राष्ट्र और स्थिर सरकार कितनी महत्वपूर्ण है ये राजस्थान भली भांति जानता है। इसलिए चाहे 2014 ही क्यों ना हो या 2019, राजस्थान ने एकजुट होकर देश में भाजपा की मजबूत सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। सुनिए पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा। हमारे राजस्थान ने सदियों से सीमा पर खड़े मजबूत प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। राजस्थान ये बखूबी जानता है कि सुरक्षित राष्ट्र और स्थायी सरकार ये कितनी जरूरी होती है। इसलिए चाहे 2014 हो या 2019 हो, राजस्थान ने एकजुट होकर देश में भाजपा की ताकतवर सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद।